खबर मिली भी जनपद से, जहां बिसलपुर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद ने आज विवादित बयान देते हुए कहा, मदरसा और मस्जिद आतंकवाद पैदा करने का केंद्र है। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट पर आरोप लगाने वालों को करारा जवाब देते हुए कहा, यह सभी लोग राम मंदिर विरोधी दल हैं, जो कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने। ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई भूमि पूर्ण पारदर्शिता के साथ खरीदी गई है, इसमें कोई भी खेल नहीं हुआ। तो मुख्य रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि देश में 900 साल के बाद श्री राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य बहुत तेज गति से हो रहा है। कुछ देशद्रोही लोग, हिंदू द्रोही लोग, सेकुलर गैंग के लोग उस बनते हुए राम मंदिर को बाधा डाल करके रुकवाना चाहते हैं, इसीलिए आए दिन वह कोई न कोई बात उछालते रहते हैं। जैसे अभी उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जबकि वहाँ एक पैसे का भी गड़बड़ नहीं। तो देशवासी सभी लोग बड़े अपनी विद्वता के साथ सावधान रहें और इस जागरूक रहें कि मंदिर का काम जल्दी से जल्दी, जो लक्ष्य है कि 2002 में निर्माण कार्य पूर्ण हो जाए, 2022 में तो निर्माण कार्य पूरा हो जाए, उसमें किसी प्रकार की बाधा न आए, तो देश के सभी लोग जागरूक रहें, मेरा विशेष रूप से तो आग्रह है। और कुछ कहना चाहते हैं आप जिहादियों पर? अभी जो आपने बयान दिया था उसके बारे में कुछ कहेंगे? पूरे देश में नहीं तो पूरे विश्व का कह दीजिए, पूरे विश्व को दो भागों में जिहादियों ने बांट दिया। एक तो इस धरती पर मुसलमान रहते हैं जो कुरान और काफ और अल्लाह को मानते हैं, बाकी लोग जो अल्लाह और कुरान को नहीं मानते वो सब काफिर हैं। वो है कुरान के द्वारा, कुरान के माध्यम से, मौलवियों के माध्यम से, मस्जिद और मकबरों के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित करने का प्रयास करा जा रहा है कि इस भूमि पर काफिर को रहने का कोई अधिकार नहीं है, इस भूमि का मालिक केवल मुसलमान है जो अल्लाह और कुरान को मानता है। अर्थात आतंकवाद की फैक्ट्री तैयार हो गई है, आतंकवाद के मदरसे तैयार हो रहे हैं, उनमें केवल यही सिखाया जाता है कि जो अल्लाह और कुरान को न माने काफिर है, काफिर का क्या करना है, तो काफिर की हत्या कर देनी है। और हत्या इसलिए करनी है कि हर मुसलमान को अच्छा मुसलमान बनना है, और अच्छा मुसलमान इसलिए बनना है कि उसको जन्नत में बेहतर हुरे और दारू की नदियां और सोने के पात्र और सोने के महलों का उपभोग करना है, ऐसा जिनको पढ़ाया जाता हो, तो वहां पूरे देश में आतंकवाद, इस धरती पर आतंकवादी पैदा होगा, आतंकवाद की खेती होगी। इससे बचने के लिए पूरे विश्व को, इस समय मानवता को बचाने के लिए पूरे विश्व को इस आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। मैं पूरे देश में यह आह्वान कर रहा हूं कि मैंने जो मेरा वीडियो वायरल हुआ है 7 अप्रैल वाला, उसमें भी मैंने यही कहा है जो आज दोहरा रहा हूं। इस समय सबको जात पात भेदभाव, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, पुलिस सिविल, फौज, राजा प्रजा, ये सब भेदभाव दूर करके मानवता बचाने के लिए आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इन जिहादियों ने, आपको ध्यान होगा, अभी तक छोटे छोटे लोगों को टारगेट करते थे, अब इन्होंने बड़े बड़े लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया है, चाहे वो बड़े हिंदूवादी नेता हो, चाहे वह संत हो, चाहे महात्मा हो, उनको हत्या करने का योजना इनके पास है और हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 2 महीने में कम से कम 100 कॉलें तो मेरे पास आई होंगी, आप कल्पना कर सकते हैं, और पूरे वर्ल्ड से आई है कॉलें कि तेरी हत्या कर देंगे, तेरा गला काट देंगे। तो मैंने कहा भाई मेरा आश्रम है, मैंने उसमें वीडियो में अपना पता दिया है, फोन नंबर दिया है, तो तुम आ जाओ, चिल्लाते क्यों भाई? ये तो भगवान तय करेगा कि धर्म रहेगा या अधर्म रहेगा, और इस समय देश में धर्म और अधर्म की लड़ाई है, हम धर्म के साथ खड़े, तुम अधर्म के साथ खड़े हो, कल रिजल्ट तो कल बताएगा, और युद्ध तो हमारे सामने खड़ा है। हम लोग चिंता कर रहे हैं ना, विश्व युद्ध, विश्व युद्ध, विश्व युद्ध, वास्तव में यही विश्व युद्ध है कि एक मानवतावादी लोग हैं और एक मानवतावादी के दुश्मन है, इन दोनों के बीच में संघर्ष है। तो मैं भारत के लोगों से और पूरे विश्व के लोगों से एक ही बात आह्वान करता हूं
आप सब लोग इकट्ठे हो जाए। म्यांमार में जैसे आतंकवाद खत्म किया है, वहां से आज एक एक आतंकवादी पूरे विश्व में शरण के लिए घूमता फिर रहा है, उसी प्रकार से भारत को और अन्य देशों को भी करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। ये स्थिति नहीं आए, उससे पहले ही कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कहते हैं कि राक्षस को जब मारो तभी सब ठीक है, जब जागे तभी सवेरा। बिना विलंब करे ये मानवता विरोधी अभियान को, आतंकवाद को समाप्त करने का काम पूरे विश्व को करना चाहिए। ये मैं पूरे विश्व के लोगों से निवेदन और आह्वान